सरोकार मंच पर आपका स्वागत है। प्रसन्नता की बात है कि आज हम आपकी कविताएं सुनेंगे। तो मैं रेखा जी का परिचय देता हूँ। रेखा जी मूल रूप से बलिया की रहने वाली है और हिंदी और भोजपुरी में कविताएं लिखती हैं, कहानियां लिखती हैं, व्यंग लिखती हैं। विशेषकर व्यंग बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते हैं और समदर्शी प्रकाशन से 2021 में संघर्षों की रेखाएं काव्य संकलन प्रकाशित हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, स्वर्ण दर्पण पत्रिका द्वारा, ग्राम टुडे द्वारा, अन्य बहुत सारे मंच। तो रेखा जी आपका स्वागत है जनसरोकार मंच पर पुनः। तो आज आपकी कविताएं सुनेंगे। धन्यवाद। कविताएं ऊपर लिखे हैं और भी व्यंग इत्यादि भी लिखे हैं जो अमर उजाला से लेकर नई दुनिया और भी सभी राष्ट्रीय समाचार पत्रों में सबने स्थान दिया, सुना रहे हैं। जी। चुप रहना कभी कभी पाप है। समय ने पूछा एक सवाल और पितामह बताओ कैसा है हाल, और पितामह बताओ इस बाणों की सैया पर कैसा है हाल। क्या अब सुनाई देती है द्रौपदी के चीर की पीर, या इस दियावान में गुजती है दुर्योधन के अट्ठाहास के तीर, या इन पीरों को बांध बैठे हो अपनी ही किसी प्रतिज्ञा में कि आत्मा ना हो जाए अधीर, और पितामह बताओ कैसा है हाल, बाणों की सैया पर कैसा है हाल। कर्म का फल मिलता है यह कैसे तुम भूले, इतने अत्याचारों पर मुंह तुम ना खोले। अत्याचारी तो अत्याचारी है पर मौन रहकर मौन होकर रहना भूल शास्त्रों में भारी है। अगर समर्थ है तो आप, विरोध आपकी जिम्मेदारी है, और पितामह बताओ कैसा है हाल, बाणों की सैया पर कैसा है हाल। क्या है स्त्री, क्या है हर कोई अपनी क्षमता अनुसार स्त्री को परिभाषित करता है, लेकिन सच में देखा जाए तो स्त्री भावात्मक होती है, मूर्ख कतई नहीं। देखना भावना विहीन स्त्री का चेहरा, उसकी अविचलता तुम्हारे सारे भ्रम दूर कर देगी। स्त्री वाचाल होती है लेकिन सिर्फ अपनों के लिए, उसकी चुप्पी गैर होकर कभी नहीं तोड़ पाओगे। गैरों के लिए उसके मन के तहखाने सदैव बंद रहते हैं। स्त्री कोमल होती है, कमजोर नहीं होती। जहाँ मरने की संभावनाएं हो वहाँ भी वो मुस्कुराकर अटल पर्वत की तरह खड़ी रहती है। स्त्री की दूर दृष्टि को लेकर लोगों को भ्रम है कि वह दूर तक नहीं देख पाती। देखने को देख सकती है पर वह अपनों की आंखों से देखकर उन्हें सम्मान देना चाहती है। स्त्रियां लालची होती हैं, उन्हें अपने रिश्तों का लालच होता है, वह अपने आप को गंवा कर भी अपने रिश्तों को बचाए रखना चाहती है। अब जब कोई तुमसे पूछे कि स्त्री कैसी होती है तो परिभाषित कर देना, एक पर्वत होता है जो मोम से ज्यादा मुलायम है, भावनाओं से भरा हुआ है, जो उसके पास जाता है बस उसी का होकर रह जाता है। स्त्रियों के ऊपर मनोदशा चाहे उनके स्वभाव के ऊपर है कि मतलब स्त्रियां कैसी होती हैं असल में। हाँ बिल्कुल। और सब कोई कहता है कि ब्रह्मा जी भी स्त्रियों को नहीं समझ सकते हैं, लेकिन स्त्री को समझना बहुत आसान है। आसान है। समाज ने कुछ ऐसा उनको गढ़ दिया या बना दिया, तो समाज की भी बड़ी एक भूमिका है और ऐसे स्त्री को बनाने में। स्त्री कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन लोग उसके बारे में स्त्री ऐसी है। अभी हाल फिलहाल में वो एसडीएम वाला केस हुआ था, बिल्कुल सब लोग हजार तरीके के राय बना रहे हैं, लेकिन किसी की परिस्थिति जाने बिना उसको जज करना हम नहीं मानते हैं कि सही होता है। सही। कौन जानता है कि किसका परिस्थिति क्या है।
क्या है और हमारे समाज के जो सामंती और पितृ सत्तात्मक मूल्य हैं, तो स्त्री को कभी एक इंसान के बतौर देखने का दृष्टिकोण ही नहीं पैदा करने देते। तो इस वजह से बार बार जब उसको एक इंसान एक बराबरी के रूप में नहीं देखते, तब बहुत सारे लोगों के पूर्वाग्रह, उनके ऊपर व्यंग करना, मजाक करना, बहुत सारे पूर्वाग्रह। हाँ, ये भी है कि स्त्री को लेकर जितने जोक गढ़े जाते हैं, अगर स्त्रियां गढ़ना प्रारंभ कर दे तो सिर छुपाने को जगह और चेहरा छुपाने को जगह नहीं मिलेगा। लेकिन स्त्री के स्वभाव में है समझौता करना, बर्दाश्त करना, जहाँ तक वो कर सकती है करती रहती है। क्या है बोनसाई स्त्री, ये भी स्त्रियों के ऊपर ही है। बिल्कुल, बांध कर रखा जाता है, कैसे उनके आभा मंडल को सीमित करने का प्रयास किया जाता है, उसी के ऊपर है ये। अक्सर स्त्रियां सपाट गमलों में बोनसाई की तरह बोई और उगाई जाती है, जिनको पुरुष जितना चाहता है उतना ही बढ़ने देता है, पनपने देता है। अगर गमले से बाहर निकलने लगती हैं पत्तियां, शाखाएं, फुंदियां, तो उन्हें बेदर्दी से कतर दिया जाता है अपने अधिकारों की कैंची से। बिल्कुल, नहीं देख सुन पाता है पुरुष अपने मर्दानगी के गुरूर में उन नई निकलने वाली पत्तियां, शाखाएं, कोपलों की कतरने की आह, मर्माहत आह को। पुरुष नहीं देख पाता है अपने से ज्यादा पुष्पित और पल्लवित उनकी शाखाओं को, वह घिरने लगता है कमतरी के एहसास में। और बोनसाई बनकर स्त्री कसमसा कर तड़प कर रह जाती है। हो रहा है जहाँ तक आसपास देख रहे हैं हम लोग, उन्हीं चीजों को शब्दों के द्वारा बांधने का प्रयत्न करते हैं और कोई अलग से कुछ नहीं लिखा जाता है। बस सब लोग अपने आसपास जो देखता है, इधर उधर देखता है, वही चीजें हैं कविताओं में। बिल्कुल, और एक मन में जो बदलाव की इच्छा होती है ना, तो ये एक माध्यम बनता है कि इस माध्यम से उस पर सवाल उठा पाए और उस बदलाव की दिशा की तरफ जा पाए। कहाँ आ रहा है महाभारत के समय से लेकर अब तक कितने महापुरुष हो चुके हैं, लेकिन स्त्री के लिए वही का वही समय है। थोड़ा सा इधर उधर अंतर हुआ है, जो कह रहा है कि बदला हुआ है। कभी अकेली स्त्री रात में सड़क पर निकल जाए तो वो कितनी डरती है। बिल्कुल, सामाजिक स्थितियां में कोई बदलाव दिखता नहीं है। मेरे को लगता है कि ये बदलाव का सिर्फ एक आभासी बदलाव है जो हमारी बातों में नजर आता है। और जैसे आप ये कह भी रही हैं कि रात को आज भी कोई अकेले नहीं जा सकता, जाने पर अक्सर सुनने को आ ही जाता है यहाँ पे दुर्घटना हुई स्त्रियों के संग अकेले, वहाँ पे हुई। अभी भी बहुत सारी घटनाएं हैं जो होती रहती हैं। अब इतने भरे समाज के बीच में मणिपुर वाली घटना हुई है, वो भी कितनी दुखद है। अब उन स्त्रियों की पीड़ा कोई नहीं समझ सकता है जो वो स्त्रियां इस समय महसूस कर रही होंगी। उनका दुख कोई नहीं समझ सकता है। अगर कहा जाए तो कहने को बहुत कुछ है कि नारी शक्ति कविता है, जो छोटी छोटी कविताओं का वो संग्रह होता है, उसी में से थोड़ा सा है। बिल्कुल, स्वागत। कभी हार के, कभी जीत के, कभी कर्म पथ के प्रीत में बढ़ना है, बस बढ़ना है। यह प्रात हिमालय शिखर पे रश्मियां निर्बाध बहे, ऊंचे ऊंचे भूदर से आबाध मुझे निर्झर कहे। सब एक राग बुनते हैं, सब कर्म पथ चुनते हैं, बढ़े चलो बढ़े चलो। प्रारब्ध नहीं बनाता कोई, सब अपने कर्म पराक्रम है। मनुज के बाहुबल से ही हिलते इंद्र के आसन है, अपने निर्मित सिंहासन पे चले चलो चले चलो। उसी में कुछ आगे है, छोटी छोटी कलियां बलात्कार का शिकार हो रही हैं, हवस की भूख से
बेदम और लाचार हो रही हैं, कैसे कह दूं हैप्पी वुमेन्स डे, हैप्पी वुमेन्स डे। कभी घर में, कभी बाजार में, कभी डरा कर, कभी प्रेम से, कभी प्रेम के झूठे व्यवहार में, एक बार नहीं बार बार हो रही हैं, मैं कैसे कह दूं हैप्पी वुमेन्स डे। नदी होती है, स्त्रियों को मिलते हैं मकान जिसे घर बनाने की जिम्मेदारी होती है, स्त्रियों को मिलती है कोख, संसार सृजन की जिम्मेदारी होती है, स्त्रियों को मिलते हैं दुखते हुए पेड़ू, स्त्रियों को मिलती हैं बिगड़े हुए औलादों का लांछन, स्त्री को मिलती है अधूरी नींद, स्त्री को मिलता है चूल्हे का धुआं, स्त्री को मिलता है एक दिन में अलहड़ लड़की से औरत बनने की जिम्मेदारी, लेकिन स्त्री को कभी नहीं मिलता गर्म रोटी खाने का हक, स्त्री को नहीं मिलता है घर के दालान में बैठकर गप लड़ाने का हक, स्त्री को नहीं मिलता है बाहर से खटकर आने पर सो जाने का हक, स्त्री को नहीं मिलता है उसके मन पर संद पुरुष के साथ जीवन बिताने का हक, स्त्री को हमेशा नदियों की संज्ञा दी गई है, हाँ स्त्री नदियां होती हैं, बहती रहती हैं अपने मन के कोने कतरे में, यही वह दुनिया है जहाँ वह अपने मन का सूरज उगाती हैं, अपने मन का फूल खिलाती हैं, अपने मन से खिलखिलाती हैं, अपने मन का गुनगुनाती हैं। स्त्री को जिंदगी की लंबी नदी में थोड़ा सा अपने मन का अपने मन में ही बह पाती हैं। स्त्री नदी होती है। अभी इसमें एक लाइन था, स्त्री को नहीं मिलता है उसके मन पसंद पुरुष के साथ हक बिता। अभी हाल में फतेहपुर में आपने सुना होगा, एक भाई ने एक लड़की का सिर खट कर पूरे गांव में घुमाया। तो सोचिए ये कविताएं कहाँ से गलत है, कहीं से समाज से ही निकल के आ रही हैं। अब वो मात्र उस लड़की का दोस्त इतना था कि वो अपने पसंद के इंसान से शादी करना चाहती, चाहे जो करना चाहती वो अब वो, लेकिन कौन से संविधान से इन लोग को हक मिल जाता है कि स्त्री का गला काट दे, नंगा कर दे। यही समाज की स्थितियां बहुत ही विकट है, विकट से विकट। स्त्री के लिए दोनों तरफ से औरतों के लिए वो है, ये तो वो बहुत कम अभी भी देखने में आएगा कि मतलब पुरुषों के मुकाबले आत्मनिर्भर नहीं है। अगर वो आत्मनिर्भर हो जाती हैं, पढ़ी लिखी सक्षम हो जाती हैं, तो थोड़ा बहुत अपने अधिकारों की रक्षा कर लेती हैं, लेकिन जब यदि वो चीज भी नहीं है तो बहुत ज्यादा उन्हें झेलना पड़ता है। आपके कुछ नई कविताओं और नए व्यंग के साथ मिलेंगे, धन्यवाद रेखा जी समय देने के लिए आपको। उम्मीद है आप लोग मेरी कविता पसंद आएगी।